गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू स्वास्तिक एजुकेशन कैंपस। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट हिंदी स्टैंडर्ड 4th का। तो उसमें हम आदर्श प्रश्न पत्र देखेंगे कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। उस टाइप का हमारा वर्कबुक में पीछे क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, वो हम आज सॉल्व करेंगे। ये हमारा जो सारा सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग आया है, जो हमने सारा सिलेबस रीड किया है ना उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 1st दिया हुआ है, अंग्रेजी वर्णों को हिंदी में लिखिए। तो यहाँ पे देखो हमें अंग्रेजी में दिए हुए के ए एफ ए एम ए बी एच ए, इस टाइप के जो हिंदी वर्ड है उसको है ना हमें इंग्लिश वर्ण दिए हुए हैं उनको हमें हिंदी में लिखना है। कि के ए का मतलब क्या होता है, एफ ए का मीनिंग क्या होता है, एम ए को क्या बोलते हैं, उस टाइप से। तो देखो यहाँ पे हमारा दिया हुआ पहले के ए, तो हम उसको क बोलेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क। सेकंड दिया हुआ है एफ ए, तो उसको हम बोलेंगे फ। थर्ड है एम ए, तो इसको हम बोलेंगे म। फिर है फोर्थ नंबर का बी एच ए, यानी कि भ। भ लिखेंगे तो उसका स्पेलिंग होगा बी एच ए। फिर है व, तो व का होगा वी ए। नेक्स्ट है सी एच ए, यानी कि च। उसके बाद है पी ए, तो पी का हम पी ए का लिखेंगे हम प। फिर है वाई ए, यानी कि य। फिर है डी एच ए, यानी कि ढ। फिर है जी एच ए, यानी कि घ। फिर है एस ए, इसको हम लिखेंगे श। फिर लास्ट में जी एन ए, यानी न्य, इसको हम न्य पढ़ते हैं। इस टाइप के हमें ये इंग्लिश में दिए हुए, उसके आगे हमें हिंदी में लिखना है उन्हें। सेकंड हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित शब्दों के में कोष्टक में से उचित वर्ण चुनकर सही शब्द बनाइए। ये ऑप्शन दिए हुए हैं हमें, इनको देख के हमको यहाँ पर देखना है कि कौन सा वर्ड बनेगा। उसके अकॉर्डिंग हमें ये ऑप्शन दिए हुए हैं, उनको लेकर यहाँ पर हमें वर्ड्स बनाने, तो हम वर्ड बनाएंगे। देखो पहला दिया है क, फिर यहाँ पे ब्लैंक दिया होगा आप पे में, और यहाँ पे लिखा है ल। तो क की जगह हम ब्लैंक में भ लिख रखेंगे तो क भल तो होगा नहीं, तो हम वहाँ पे म रख के देखेंगे, तो क म ल, तो यानी ये वर्ड बना, तो हम यहाँ पे लगाएंगे म। तो फर्स्ट वाले में हम लिखेंगे म। फिर देखो सेकेंड च, फिर ब्लैंक दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है खा, तो यहाँ पे आएगा र, च र खा, क्योंकि च स खा ये तो कोई वर्ड होता नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चरखा, यानी सेकंड वाले में आएगा हमारा र। फिर थर्ड नंबर देखो ढ, फिर ब्लैंक दिया होगा, फिर दिया है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देखो ढ फ ना, तो ये कोई वर्ड नहीं होगा, तो लिखेंगे हम ढ क ना, यानी ढांकना किसी वस्तु को, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड वाले में आएगा हमारा क। फोर्थ नंबर देखो त, फिर ब्लैंक दिया हुआ, फिर वार, तो यहाँ पे त ज और ल ऑप्शन दिए हुए, तो तजवार ये वर्ड नहीं होता, लेकिन तलवार होता है ना, तो हम सेकंड वाले में लिखेंगे ल। फिर देखो फिफ्थ नंबर में ठ, फिर ब्लैंक दिया होगा यहाँ पे, और फिर रा, तो ठठेरा, तो हमारा ये वाला सेकंड नंबर में क्या लिखेंगे हम ठठेरा, तो ये वाला वर्ड आएगा। फिर सिक्स नंबर ड फ ली, यहाँ पे डफली होता है, तो यहाँ पे ली आएगा, क्योंकि डफरी ये तो वर्ड होता नहीं है, तो हम लिखेंगे डफली। फिर सेवन नंबर देखो रहा म, फिर यहाँ ब्लैंक दिया है, फिर र, तो यानी क्या होगा मटर, तो इसमें आएगा हमारा ट। फिर ल, फिर ब्लैंक, फिर का, तो यानी लड़का, तो इसमें क्या आएगा हमारा लास्ट में ड। ऐसे हमें ऑप्शन दिए होंगे, उन ऑप्शन को देख के यहाँ पे वर्ड हमको पहले रीड करना है कि ब्लैंक में क्या आ सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ये सॉल्व करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3, चित्र पहचान कर उनके नीचे नाम लिखिए। ये जो फोटो दिए हुए, पिक्चर दिए हुए, वो हमें देखना है कि किसका पिक्चर है, और हमें उस चीज़ का नीचे नाम लिखना है। तो देखो फर्स्ट में हमें मैंगो दिया हुआ है, मैंगो को क्या बोलते हैं हम हिंदी में, आम, तो फर्स्ट में हम लिखेंगे आम। सेकंड यहाँ पे ग्रेप्स दिए हुए हैं, ग्रेप्स को क्या बोलते हैं हम, अंगूर बोलते हैं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे अंगूर। थर्ड हमारा फ्लावर है, कौन सा फ्लावर है ये, कमल का, तो यहाँ पे थर्ड में लिखेंगे हम कमल। फोर्थ में देखो यहाँ पे घर दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे घर। फाइव नंबर देखो ये डफली दी हुई है, जो बजाते हैं ना वो डफली है ये, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फाइव नंबर में डफली। फिर ये लड़की दी हुई है, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे लड़की। ऐसे में फ़ोटोज़ दिए होंगे, इसके अलावा और भी फ़ोटो दिए होंगे, वो भी आपको पहचान के लिखने होंगे कि कौन सा फ़ोटो कौन सा है, या किस क्या बोलते हैं उसको, उस टाइप को हमें वर्ड दिए, फ़ोटोज़ दिए होंगे, उसके अनुसार हमें लिखना है कि इसको क्या बोलते हैं।
नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में दिखा है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर चार पांच वाक्य लिखिए। यह हमें तीन वर्ड दिए हुए हैं, इसमें से हमें कोई एक वर्ड चूज करना है और उसके ऊपर चार से पांच हमें सेंटेंस लिखने हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोयल, कोयल के बारे में। अगर आपको दीपावली लिखना है तो आप दीपावली के बारे में लिख सकते हो, और अगर गाय पर लिखना है तो हम गाय के ऊपर भी लिख सकते हैं चार से पाँच सेंटेंस। तो हम यहाँ लिखेंगे कोयल, तो कोयल के ऊपर हम वर्ड बनाएंगे। तो बच्चों हम जानते हैं कोयल का रंग कैसा होता है, काला। तो हमारा एक वर्ड ये बनेगा, कोयल काले रंग की होती है। इस टाइप से हमारा पहला वर्ड बन गया। फिर होएगा, फिर काला और कौन होता है, कौआ। तो आपने देखा होगा कौए का रंग भी काला होता है, होता है ना, उसका रंग कोयल से मिलता जुलता होता है, यानी दोनों काले कलर के होते हैं। तो इसलिए हमारा सेकेंड सेंटेंस बन जाएगा, कोयल कौए के रंग और आकार से मिलती जुलती है। फिर हम थर्ड सेंटेंस बनाएंगे, तो कोयल ज़्यादातर मैंगो के ट्री पर देखने मिलते हैं। जो मैंगो का ट्री होता है ना, वो उसको बहुत अच्छा लगता है, उसका फेवरेट ट्री होता है। तो वो ज़्यादातर ना वो मैंगो के ट्री पर ही देखने मिलती है। तो हम थर्ड नंबर लिखेंगे, कोयल को आम का पेड़ बहुत प्रिय है। प्रिय यानी फेवरेट। फिर है, कोयल की बोली मीठी और सुरीली होती है। कोयल सबसे अच्छा गाती है ना, हमने सुना है, पढ़ा है कि सबसे अच्छा कोयल गाती है। तो हमारा ये वर्ड बनेगा, सेंटेंस बनाएंगे हम, कोयल की बोली मीठी और सुरीली होती है। फिर है, कोयल वसंत ऋतु में जी भर कर कूकती है, उसे पिक और कोकिला भी कहते हैं। जो जब वसंत की ऋतु आती है तब कोयल जी भर कर कूकती है, यानी वो जी भर कर साउंड करती है, उसे पिक और कोकिल भी कहते हैं। इस टाइप का हमने कोयल के ऊपर सेंटेंस लिखा। ऊपर आगे आपको ऑप्शन दिए हुए थे गाय और दीपावली, अगर आपको उन दोनों में से किसी पे लिखना है तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे कोयल के बारे में लिखा है। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। ये जो कोष्टक दिया हुआ है आपको, इसके अंदर जो वर्ड दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें ये ब्लैंक फिल करने हैं। तो इसमें देखो, फर्स्ट है टोपी, फिर है ब्लैंक पर पहनी जाती है। तो टोपी कहाँ पहनी जाती है बच्चों, सिर पर। तो देखो ये ऑप्शन दिया हुआ है सिर, तो हम फर्स्ट में लिखेंगे सिर। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, टोपी सिर पर पहनी जाती है। सिर पर ही पहनते हैं ना टोपी, तो लिखेंगे टोपी सिर पर पहनी जाती है। सेकंड, जूते फिर है ब्लैंक में पहने जाते हैं। तो जूते हम कहाँ पहनते हैं, पैरों में। तो सेकंड में हमारा आंसर आएगा पैरों। देखो ये रहा ऑप्शन में दिया हुआ है पैरों, तो हमारा सेंटेंस बनेगा, जूते पैरों में पहने जाते हैं। थर्ड नंबर, मक्खी को फिर ब्लैंक बहुत पसंद है। मक्खी को क्या पसंद होती है, देखना ज़्यादातर जहाँ गंदगी होती है ना वहाँ पर मक्खियाँ ज़्यादा देखने को मिलती है। आपने देखा होगा कि जहाँ गंदी जगह होगी वहाँ पर बहुत सारी मक्खियाँ देखने को मिलती है। तो हमारा थर्ड का आंसर होगा गंदगी। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा, मक्खी को गंदगी बहुत पसंद है। फोर नंबर में ब्लैंक दिया हुआ, सोने चांदी के गहने बनाता है। तो सोने चांदी के गहने कौन बनाता है, उसको हम सुनार बोलते हैं। तो हमारा फोर नंबर में आएगा सुनार। फोर का आंसर होगा हमारा सुनार। सुनार सोने चांदी के गहने बनाता है। फिर है, मिठाइयाँ बनाता है। तो मिठाइयाँ कौन बनाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, हलवाई। तो फाइव नंबर में हमारा आंसर आएगा हलवाई। हलवाई मिठाइयाँ बनाता है। सिक्स नंबर, छिलके हमेशा फिर ब्लैंक है में ही डालने चाहिए। छिलके हमेशा में कहाँ डालने चाहिए, छिलके या फिर कोई भी कचरा हो तो हमें डस्टबिन में डालना चाहिए ना, या फिर इधर उधर फेंक देना चाहिए। उस इधर उधर फेंकेंगे तो गंदगी होएगी, फिर मक्खियाँ आएंगी। तो हमें हमेशा कचरा कहाँ डालना चाहिए, कूड़ेदान में। डस्टबिन को क्या बोलते हैं, कूड़ेदान। तो देखो ये रहा ऑप्शन में दिया हुआ है कूड़ेदान, तो हमारा वर्ड बनेगा, छिलके हमेशा कूड़ेदान में ही डालने चाहिए। इस तरह से आपको दिया होगा, यहाँ पे ऑप्शन दिए होंगे और यहाँ पे ब्लैंक दिया होगा, तो आपको देखना है कि कौन सा आंसर और कौन सा ऑप्शन कौन से सेंटेंस में आएगा। ठीक है, लास्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो वाक्यों में लिखिए, कि नहीं पाँच, यानी आपको कोई भी पाँच आंसर लिखने हैं। तो देखो हमारा फर्स्ट है, वो आपको एग्जाम में लिखने, कोई भी पाँच, यहाँ पर हम सारे के सारे देखेंगे, सारे के सारे लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा, दीपावली कब आती है। तो दीपावली कब आती है, तो हमारा आंसर लिखेंगे, दीपावली हर साल आश्विन मास में आती है। हर साल वो कौन से मास में आती है, आश्विन मास में। फिर सेकंड है, दीपावली के दिन लोग कैसे कपड़े पहनते हैं। तो आप लोग कैसे कपड़े पहनते हो दीपावली के दिन, सब लोग नए नए कपड़े पहनते हो ना, तो हमारा आंसर आएगा, दीपावली के दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं। थर्ड नंबर है, रंग और आकार में कोयल किससे मिलती जुलती है, किससे मिलती जुलती है, उसका रंग काला होता है।
तो किससे मिलती है? काला हमारा कौआ भी होता है, तो हम आंसर में लिखेंगे रंग और आकार में कोयल कौए से मिलती जुलती है। 4 नंबर, कौन सा पेड़ कोयल को विशेष प्रिय है? तो हमने देखा था वो बसंत ऋतु में आती है, तो उसको मैंगो का ट्री बहुत पसंद है, उसको फेवरेट है मैंगो का ट्री। तो हमारा आंसर होगा कोयल को आम का पेड़ विशेष प्रिय है। 5 नंबर, तिरंगा किस देश का झंडा है? कौन सा देश का झंडा है? तिरंगा हमारे भारत देश का झंडा है, तो इसमें हम लिखेंगे तिरंगा स्वतंत्र भारत का झंडा है। फिर 6 नंबर, भेड़िए ने आईने में क्या देखा? तो हमने आगे चैप्टर में देखा था भेड़िए ने आईने में अपनी सूरत देखी। 7 नंबर, मक्खी कहाँ पाई जाती है? तो मक्खी गंदगी में पाई जाती है, हमने देखा सुना देखा होगा ना कि जहाँ गंदगी होती है वहाँ पर बहुत सारी मक्खियाँ भिनभिनाती हैं, तो मक्खी गंदी चीज़ों में और गंदगी में पाई जाती है। तो यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर आएगा वो किस टाइप का आएगा वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, आपको इस टाइप का एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। तो अभी जो हमने पढ़ा है वो आपको वर्कबुक में लिखना है और नोटबुक में भी नोट डाउन करना है, वो सेम आपको PDF में सेंड कर दिया जाएगा होमवर्क में। थैंक यू।